उसी संदेश को लेके आज राजनीति में आगे हम लोग राजनीति आने के बावजूद भी मैंने जो है जो भगवान मायू के सिद्धांत थे जो गांधी जी ने अपनाए और गांधी जी ने जिस प्रकार से देश की आजादी के अंदर अपनी भूमिका अदा करी, साउथ अफ्रीका में जाकर के अगर उन्होंने संघर्ष किया काले और गोरे लोगों के बीच में, तब भी भगवान मायू के सिद्धांत थे सत्य अहिंसा का, उसके रास्ते में चल करके उन्होंने अपना जीवन बिताया आगे बढ़े भाई साहब। और आज जो माहौल है देश के अंदर जो मनवाई के उसमें आवश्यक है हम लोग उन्हीं से बताकर आते रहते हैं, सरकारें बदलती रहती है, लोकतंत्र में हमारी कोई गलती की दुश्मन नहीं होती है ना होनी चाहिए, विचारधारा घट पार्टी की सिद्धांत नीति मनीष भाई यार तुम तो उसको अपना करके आगे बढ़ना चाहिए। हमारी सरकार आत्मा ने आप सबके आशीर्वाद है, मुझे भी तीसरे बार मुख्यमंत्री तीनों कार्यकाल चुनाव में हम क्या जीते हैं आज ही, परंतु प्रदेशवासियों के विकास के लिए प्रदेशवासियों को डेढ़ किलोमीटर योजना का लाभ कैसे मिले, नई नई योजना जिस प्रकार से हम लोग इलाज कर सके, अटाल सुबह पड़के के कभी आप मालूम में डरकार करते हुए कितनी तकलीफ होती है लोगों को, गाय की सेवा करना एक बहुत बड़ा ध्यान होता है, इसको भी कमी नहीं रखी, काफी कमी है और दो सालों में तो अनुमान दिए हैं विभाग हमारे इस प्रकार के हर काम जो है सोच समझ के योजना पूरी नहीं करनी, 50,000 लोगों को उन्नति के आसान रह गए हैं, समय क्षेत्री को जो भी उसके अंदर जो जाना चाहे दिन जाते बुजुर्ग लोग जाते ही खुशी होती है सुकून रहता है, फिर यात्री जहाँ गाने भ्रमण होते हैं एक बार जाना स्टेशन का जिला करने के लिए गाँव के फिर आएगा, हमारी सरकार ने कमी मिल दी है कोई माना फीस देने के लिए जितने धर्मों के मंदिर जाता रहे हैं उनका जिलाकार जाएगा चार दिन बजे बजट में घोषणा करे है और वो काम की योजना में तरीके से आगे बढ़ेगा, मंदिरों का भी तमाम धर्मों के मंदिरों का भी लाभ दिया गया कि जो रिटर्न करते हैं उनको वास्तव में ठंडी होगी, वैसे भी वो पदयात्री लोग चलते हैं, ये भी मैं समझता हूँ कि ईश्वर की देन है भगवान मारे का सिद्धांत है कि आप पद यात्रा लंबी लंबी करके हमारे धर्म संस्कार करते हैं उसके समाप्त हो जा रहे हैं और रातों में सुना मिलनी चाहिए ये मेरे सुनने के लिए इसका गया है उसको मैं ध्यान रखूंगा इस प्रकार से काम हमारे पास रहता है, संस्कार और समाज ये काम का बड़ा है, सरकार का सम्मान मिलते क्या हर 20 किलोमीटर में क्या गया है 20 किलोमीटर हो 30 किलोमीटर हो उन योजना बने उससे जाके आगे बढ़ेंगे हम लोग, पर समाज के लिए आगे नहीं आएगा हम सरकार इस काम को करने में जो समझता पूरी जो कामयाबी हो सकती है, मैंने दिल प्रोग्राम में बात करूंगा और चाहेंगे कि कोई ऐसा इसलिए बन जाए उनको सुनता रहे हमें भी बहुत सुकून मिलेगा, हमें काम स्थान के रास्ते में तकलीफ नहीं पाएगा, जब एक्सीडेंट होते हैं और बुरा होता है इन सब छोटा मिल जाता है, मुझे याद है कि जब नेमत चंद जी जय साहब के गवर्नर आसाम के तभी मैं मुख्यमंत्री था उस वक्त में उनके गण के मैंने कई बार जैन समाज को अच्छे दर्जा दिया था और मैं
नानी नबी का अंग्रेजी और उसकी माँ ने सजा बना गई और नहीं सजा लगी अंधे देश कामन लगे बनना चाहिए था जो सुन नहीं करना उन्हें नहीं पाया। अब उसके बाद में भी धीरे धीरे थी राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बात करते पूरे देश के अंदर अपने समाज को हर प्रेरित समुदाय में पंडित जी ने दर्जा दे दिया है। इससे समाज की उसके लिए इतना बड़ा उत्सव हम खड़ा कर रहे हैं। 500 रुपए की लागत से आज तो जाएगा टाइम पर समय पर तरीके से काम खड़ा होगा। उसका लाभ राजस्थान के नौजवानों को युवाओं को छात्रों को मिलेगा। उनके संस्कार बचपन से वो बने संस्कारवान बने परंपरा वाली महान उनको अपनाए। आने वाली पीढ़ियां जो है वो भी समाज सेवा में भी समाज के लिए भी राष्ट्र के लिए भी और मानवता के लिए भी समझने के लिए मानवता जो है वो सर्वोपरि है। मानवता नहीं है तो वाली कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग बात नहीं कर सकते। मानवता हर धर्म का एक संदेश होता है और जैन धर्म का द्वारा इसी तरह करके हमारा मानव धर्म दिए गए हैं जो हमें कुछ दिन का है उनके लिए समझ रहे हैं। उनको आज समाज का ही बता रहा है आज धर्म धर्म पर ध्यान मिला रहे हैं उनको मामला नहीं मिल रहा है उन्हें गुरु के साथ है कि जो समय मैं दान और जिस प्रकार से क्योंकि गुरु बुझा कर उस समय के लिए बहुत कुछ कर रहा है। मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने यात्रा के माध्यम संदेश दिया आज उसी संदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। महंगाई को लेकर हमने महंगाई राज शिविर लगाए हैं जो 25 लाख का बीमा किया है स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य का अधिकार ने कानून बना दिया राजस्थान में पहला राज्य देश के अंदर जितने प्रत्येक नागरिक को चाहे अमीर हो गरीब हो सबके लिए स्वास्थ्य का अधिकार ने कानून बन गया राजस्थान के अंदर। इस बात का गर्व होना चाहिए देश के अंदर पहला राज्य राजस्थान है जिसने कानून बनाया है अधिकार आधारित कानून यात्रा बनाए मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ने। शिक्षा का अधिकार खाद्य सामग्री का अधिकार सूचना का अधिकार नरेगा का अधिकार ये कानून हेल्थ का जो है 25 लाख का बीमा है सबके इलाज का चाहे गरीब हो या अमीर हो ये आप हम सबको समझ नहीं होते जिसके अंतिम व्यक्ति तक इसकी पहुंची हमारी सबके लिए 25 लाख तक इलाज फ्री कर दिया गया है राजस्थान के अंदर। ऐसा देश में कहीं पे भी नहीं है। इस प्रकार से कई योजनाएं और भी लागू करी गई है उसका जिक्र मैं अभी नहीं करना चाहूँगा। आप सबको मालूम है कि महंगाई राज शिविर में 10 तरह की बेनिफिट मिल रहे हैं लोगों को बहुत कामयाब हो रहे हैं वो सारे शिविर। मैं चाहूँगा कि हम सब मिलकर के राजस्थान में हमारी थीम है आने वाली पीढ़ी को संस्कृत करने का हमने संकल्प किया है उसी रूप में हमारी नीतियाँ बन रही सरकार की हमारे कार्यक्रम बन रहे हैं
हमारे सिद्धांत प्रतिपादित्य उनको आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज ये जो माहौल में देख रहा हूँ उत्साह का ये माहौल अपने आप में संदेश दे रहा है। आचार्य भगवान ठाकरे महाराज साहब का आशीर्वाद लेने के लिए हमसे निकट हुए हैं, उनका आशीर्वाद उनकी प्रेरणा हमेशा मिलती रहेगी और हमें संकल्प लेना चाहिए कि उनका जो आशीर्वाद उनकी प्रेरणा है वो संदेश है, उनको हम अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। यही बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।